नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी जननायक सीएम अशोक गहलोत का जन्म सेवा दिवस के रूप में मना रही है, जिसके तहत कांग्रेस की ओर से सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डूंगरपुर विधानसभा से विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित समारोह में 300 से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को विधायक गणेश घोगरा ने राशन किट और साड़ियां वितरित की। अपने संबोधन में विधायक गणेश घोगरा ने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं सीएम गहलोत की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही गरीबों की हितैषी है और गरीब का हमेशा ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश के अशोक गहलोत जी की सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बेहतर कार्य किया और किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। इस अवसर पर प्रधान कांता देवी कोटेट, उप जिला प्रमुख सुरता देवी परमार, समाज सेवी केवल रामजी कोटेट, अध्यक्ष लक्ष्मी लाल काका, जिला परिषद सदस्य रेखा देवी कलासुआ, मंडल अध्यक्ष नीलेश पटेल व मोहम्मद अनीस, मनोनीत पार्षद मोहम्मद इकबाल, राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठन महासचिव राहुल खान, ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल भगवती पांड्या, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश पगारा, पार्षद मोहन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल भगवती पांड्या, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश पगारा, पार्षद मोहन यादव, हुमेरा बानू, जवाहर लोहार, कांग्रेस नेता पूनम चंद लवाना, बाल कृष्ण परमार, अब्दुल रहमान, अंशुवाला पंचाल आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 से तेज सिंह राठौर की रिपोर्ट।